येलो नाइट शेड, जितना सुंदर ये फ्लावर है उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स इसके आयुर्वेदा में ड्रग बनाने में है। सो वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और आज का हमारा टॉपिक है कंठकारी, जो कि ड्रग्स में बहुत काम आता है। बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। ऑल्सो इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लघु पंचमूल का सेकंड द्रव्य कंठकारी। आई होप आपने बृहति का वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप देख सकते हैं। तो जानते हैं कंठकारी। इसका बॉटनिकल नेम है सोलानम सुरेटेंस, फैमिली है सोलानासी। आचार्यों ने इन्हें किस किस गण में रखा है आइए जानते हैं। आचार्य चरक ने कंठ, हिक्का निग्रहण, शोथर, शीत प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन गण में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने बृहत्यादि, वरुणादि, लघु पंचमूल वर्ग में रखा है। आचार्य वाग्भट ने बृहत्यादि और वरुणादि वर्ग में रखा है। कंठकारी इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि कांटों से युक्त होता है। जैसा कि आचार्य चरक में से कंठ है गण में भी रखा है, तो कंठ विकारों में भी ये उपयोगी होता है, इसलिए भी इसे कंठकारी कहा जाता है। दुस्पर्शा, कांटों से युक्त होने के कारण स्पर्श करना थोड़ा मुश्किल होता है। शुद्रा, क्योंकि इसका छोटा प्लांट होता है। व्याघ्री, व्याघ्री के समान स्वर बनाने वाला। नी दिग्दिका, मतलब शीघ्र भरने वाला। जो इसके प्लांट की ग्रोथ होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। हिंदी में से हम छोटी कटेरी, भटकटैया, रिंगनी बुलाते हैं। पंजाबी में कंडियारी, मराठी में भूई रिंगनी, बंगाली में कंठीकारी, तमिल में कांदन कांटेरी। तो अब जानते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। इसका बहुवर्ष आयु कंठ के प्रसरित शूप 1 से 4 फुट के व्यास में फैला चमकीले हरे रंग का होता है। कांटे पीले रंग के, आधा इंच लंबे और छोटे भी होते हैं। बेसिकली इट इज़ पेरिनियल हर्ब और 1 to 4 foot हाइट, एंड इट इज़ ब्राइट ग्रीन कलर, एंड इट हैव वेरियस नंबर ऑफ थॉर्न्स। इसके पत्र 4 से 5 इंच लंबे, 2 से 3 इंच चौड़े, रोमश, लटवाकार या आयताकार, बेसिकली ओवेट शेप के होते हैं। खंडित या दंडु, डेंटेशंस प्रेजेंट होते हैं। इसके पुष्प जो होते हैं वो नीलवर्ण की पार्श्विक मंजरियों में होते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं वो राउंड शेप में, कच्ची अवस्था में ग्रीन कलर के और पक्व अवस्था में येलो कलर के हो जाते हैं। और जिसके सीड्स होते हैं वो छोटे और चिकने होते हैं, मीन सॉफ्ट होते हैं। दिसंबर से जून तक फूल और फल आते हैं। इसकी हमें 2 वेराइटीज़ देखने को मिलती है, नील पुष्पा और श्वेत पुष्पा। नाम से क्लियर हो रहा है जिसके फ्लावर नील कलर के होंगे वो नील पुष्पा है, जो बेसिकली हमें देखने को मिलती है। जिसका बॉटनिकल नेम है सोलानम सुरेटेंस, जो हम पढ़ रहे हैं। और एक और वेराइटी होती है श्वेत पुष्पा, जिसका बॉटनिकल नेम होता है सोलानम जेंथोकार्पम, ये थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। इसके फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं और इसका जो प्रयोग है वो अनेक वैद्य लक्ष्मणा के स्थान पे करते हैं। जो लक्ष्मणा होती है बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी में हेल्पफुल है। उत्पत्ति स्थान ये प्राय समस्त भारत में मिलता है। रासायनिक संगठन मीन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेनली जो है वो डायोजेनिन, सोलानिन, सोलामार्जिन, सोलासोमिन, सोलास्यूरिन। और सूखा जो पंचांग होता है प्लांट को अगर हम जलाते हैं तो हमें एज अ ऐश, पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट्स ये सब मिलते हैं। और जो इसके सीड्स होते हैं उसमें एक विशिष्ट गंध युक्त हरिताप पी तेल प्राप्त होता है। बेसिकली जो इसके सीड्स होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है और ग्रीनिश येलो कलर का ऑयल उसमें ऑब्टेन होता है। आइए जानते हैं कंठकारी का रस पंच। इसका रस तिक्त कटु होता है, गुण लघु रूक्ष तीक्ष्ण होता है। ये उष्ण वीर्य और कटु विपाकी होता है। इसका जो दोष कर्म है कफ वात शामक होता है। जो इसकी प्रयोज्यांग है वो है पंचांग, मीन्स पूरा प्लांट ही काम आता है। आइए जानते हैं इसके कर्म और प्रयोग। संसारिक जो कर्म है वो वेदना स्थापन, शोथर और कृमिघ्न है। इसलिए कृमि दंत, दंत शूल एवं अर्श में बीज की धुनी देते हैं। नासा रोग जैसे पीनस आदि में व्याघ्र तेल का प्रयोग करते हैं।
धूनी यानी मीन्स धूमपान जो हम बताते हैं अपने अष्टांग हृदय में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, और बेसिकली जो दांतों में कृमि कीड़े लग जाते हैं, दांत में दर्द होता है या फिर अर्श होता है, उसमें ये हेल्पफुल है। कंठकारी ऑल्सो कंसिडर टू बी यूजफुल इन डेंटल इन्फेक्शंस ड्यू टू एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, जैसा कि कहा शोथर है। फ्यूम्स ऑफ ड्राइड फ्रूट ऑफ कंठकारी इज स्मोक्ड फॉर सम टाइम टू हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस ऑफ गम्स। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन मैनेजिंग हीमराइड्स और पाइल्स। तीक्ष्ण होने से इसका जो आभ्यंतर नाड़ी संस्थान पे एक्शन देखा जाता है वो है संज्ञा प्रबोधन। बेसिकली हमारे इंद्रियों को उसके विषयों का ज्ञान करवाता है। उष्ण होने से वाथर है, इसलिए हमें इसका जो भी प्रयोग है वो वात विकार में, जैसे अंगमर्द हो गया, संधिवात हो गया, तो जो भी वात चामक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इसका प्रयोग करते हैं। और जो अपतंत्रक अपस्मार में जो आवेग आता है तब हम इसके स्वरस नाक में देने से संज्ञानाश दूर होता है। पाचन संस्थान डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो बेसिकली दीपन, पाचन, क्रमिग्न और रेजन। इसका प्रयोग हम अग्नि मानदे, विबन और उदरगत क्रमी में हम कर सकते हैं। और रक्तवेह संस्थान जो सर्कुलेटरी सिस्टम पे है उस पर इसका जो कर्म देखा जाता है वो है रक्त शोधक और शोथर। तो रक्त भार को ये कम करता है, रक्तचाप, रक्त विकार जैसे कुष्ठ, फिरंग, ऐसी जो स्किन डिजीज होती हैं और जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है श्वसन संस्थान मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कफग्नि प्रॉपर्टीज रखता है, कंठ है, इक्का निग्रहण और श्वासर है। इसका प्रयोग हम प्रतिशाय का, श्वास, पार्शूल, स्वर भेद, इक्का रोगों में कर सकते हैं। बच्चों के जीन कास्ट में इसका फल का चूर्ण मधु से देते हैं। काश श्वास के लिए व्याघ्री हरित की प्रसिद्ध योग है। त्वचा पे इसका जो इफेक्ट है, उष्ण होने से श्वेत जनन है, विभिन्न चर्म रोगों में ये उपयोगी है। मूत्रव संस्थान, ये मूत्रल है, अश्मरी, पूय में, मूत्र क्रच में ये दिया जाता है। तापक्रम तिक्त होने के कारण ये ज्वरग्नि है, इसलिए हम इसका प्रयोग ज्वर में करते हैं। प्रजनन संस्थान रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके जो बीज होते हैं वो गर्भाशय संकोचक और वाजीकरण होते हैं। जो श्वेत पुष्प वैरायटी है वो गर्भ स्थापन है। हम इसके बीज रजोरोध में, कष्ट प्रसव में और क्लैबे रूप में देते हैं, बेसिकली इनफर्टिलिटी। कंठकारी के जो हमें विशिष्ट योग देखने को मिलते हैं वो है निदिग्धादि क्वाथ, व्याघ्री हरित की, कंठकारी घृत, व्याघ्री तैल और दशमूल क्वाथ, दशमूलारिष्ट, ये सब भी इसके योग में ही आते हैं। इसकी जो डोज है क्वाथ की वो है 40 से 80 ml। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो पित्त प्रकृति में इसको हमको कॉशन से देना होगा, क्योंकि ये उष्ण वीर्य है और इसमें तीक्ष्ण, लघु, रूक्ष ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए हमें थोड़ा कॉशियस रहना होगा। आई होप वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो लघु पंचमूल के थर्ड कंटेंट दैट इज शाल पढ़ने के साथ। डू सब्सक्राइब आवर चैनल डेंटल एंड आयुर्वेदा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिएगा और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।